गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गणित में अध्याय चार गणितीय आगमन का सिद्धांत पर इसके फंडामेंटल्स और क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। और एक ही मेथड है और उसमें आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो इसको अगर सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे। और ये क्वेश्चन 100% बच्चों के लिए प्रॉफिटेबल रहता है, यानी क्वेश्चन सभी बच्चे लगभग करते ही हैं, तो इसको जरूर ध्यान से करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत में हम क्या करते हैं, बच्चे ध्यान से सुने, कि हमको कोई कथन दिया है, यहां एक कथन दिया है, कोई भी उसका नाम दे दिया हमने पीएन। हमको यह कथन को सिद्ध करना है कि यह सही है, तो उसके लिए प्रोसेस है कि हम मान लो कथन को मान लेते हैं कि हम चेक करेंगे कि वो n बराबर 1 के लिए क्या सही है। यदि n बराबर 1 के लिए सही है यानी तो हम क्या करेंगे, फिर यदि हम मान लेते हैं, इसकी दूसरी स्टेप है कि मान लेते हैं कि वो n बराबर k के लिए सही है, ये मान के चलते हैं। और हम दर्शाते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी यह सही है। यदि हम यह शो कर देते हैं तो फिर वो जितने भी प्राकृतिक संख्या है, चाहे k प्लस 1 प्लस k2, यानी सभी के लिए सही होगा। ठीक है, तो जे इसके स्टेप्स हैं, इन्हीं स्टेप को रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन सब सिमिलर हैं, मेथड एक ही है, क्वेश्चन अलग अलग होंगे, और सबको सिर्फ आपको इन स्टेप्स को अगर ध्यान रख के करेंगे तो आपको सभी में स्कोरिंग है और सभी में नंबर इजीली मिलते हैं। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चन है, गणितीय आगमन से सिद्ध कीजिए कि यह जो मान है 1 + 3 + 3² ((3)²) ((n-1)=(3n-1)/2), ये हमको सिद्ध करना है। तो हमको कौन सी विधि से करना है इसको, गणितीय आगमन से। तो हम क्या करेंगे, यहां पर n n का मान 1 लेने पर, ये आपका स्टेप 1 है। हमने बताया था दो तीन स्टेप रहते इसमें, n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा आपका, n बराबर 1 लिया तो पहला पद है, टोटल पद कितने हैं, n बराबर 0 1 रखा तो 1 - 1 0 होता, 3 की पावर 0 1, लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया 1। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, 3 की पावर n का मान 1 रखा -1/2, तो हम देखते हैं कि यहां 2/2 = 1, यहां इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर, तो इसका मतलब होता है यह जो कथन है, इस कथन का नाम क्या दे दिया हमने, पीएन। तो कथन पीएन एन बराबर 1 के लिए सही है। क्लियर, अब हम दूसरा स्टेप लेके चलेंगे, माना कथन पीएन एन बराबर के लिए सही है। ये हम लेख मान रहे हैं कि ये सही है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 3 + 3² ((n) के स्थान पर k रख दिया, 3k - 1 = ((3)k-1/2), यह कथन जो है आपका क्या होगा, आपका पी के इज ट्रू, यह ट्रू है, सही है। तो हम क्या करेंगे स्टेप थ्री में, हमको यह दर्शाना है कि कथन पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये हमको शो करना है, दर्शाना है, ये हमको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि कथन पी के प्लस 1 के लिए भी ट्रू दिखाना है। तो आप देखिए इसको, इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा,
लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका, 1 3 3 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 की पावर k-1 और 3 k। क्लियर, ये आपको लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं। तो आपको इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान आपको दिया हुआ है किसके बराबर, 3 की पावर k -1/2 ये दिया हुआ है यहां पर, ठीक है, ये दिया हुआ है, और प्लस 3 की पावर k। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, 3 की पावर k -1/2 × 3 की पावर k/2। तो हम देखते हैं कि 3 की पावर k कॉमन निकल गया, तो 1 + 2 - 1/2 यह इक्वल आ जाएगा 3 × 3 की पावर k - 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 3 k + 1 - 1/2, ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हम देखते हैं कि कथन जो है p k+1 is also true, यानी यह जो कथन है k+1 के लिए भी सही है, और जब k+1 के लिए भी सही है तो k+2 के लिए भी सही होगा, फिर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी के लिए सही होगा। और इन्हीं स्टेप के आधार पे आपको इस मेथड को हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं। तो बच्चे समझ गए होंगे कैसे करना है। अब आपको इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप घर में ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला है, जैसा हमने पहला किया है वैसा ही आपको ये करना है। तो आप इसमें वही करेंगे, इंडक्शन मेथड यूज करेंगे। स्टेप वन में हम इस कथन को मान लेंगे, यह कथन क्या है आपका, Pn है। इस कथन को हम Pn मान लेंगे, मान लेते हैं कथन n=1 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा, 1 q = 1। राइट हैंड साइड कितना होगा, 1 + 1/2 × 3 = 2। कितना हो जाएगा आपका, 2/2 × 2, 1 = 2 = 1। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब कथन जो है P1 is true, यह कथन जो है P1 जो है सही है। अब हम स्टेप 2, मान लो कथन Pn n=k के लिए ट्रू है, और हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, टू सो p k+1 is also, ये हम शो करेंगे। तो ये हम मान के चल रहा है कि सही है, इसका यूज करके हम इसको करेंगे। तो इसके जो स्टेप्स हैं जो हमने अभी बताए थे पहले क्वेश्चन में, वही स्टेप करके बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करके आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, 1 q + 2 q + 3 q + k+1 q, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, k
इंटू के प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, और इसके साथ एक स्टेप और आएगा k प्लस वन की पावर q, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका मान जो आएगा आपका k प्लस वन प्लस वन अपॉन टू, और इसका घात दो, ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लिए, बहुत ही सिंपल है, इसको सिंपल करेंगे और एक्सपांड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू आ जाती है तो ये आपकी एन की जगह पर के प्लस वन दिख रहा है आपको, ये सिमिलर फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर एन के स्थान पर के प्लस वन रिप्लेस दिख रहा है, तो ये हमको यह स्टेटमेंट